निरहंकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे धोखा देने। मैंने तुम्हें जी जान से प्यार किया था और तुमने भी दुनिया भर की वादे किए थे मुझसे। के पास पक्का लायक चीज ये सुना दिया तुमने मुझे। मैंने हमेशा तुम्हें सही और माही को गलत समझा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने माही पर इतनी गंदी तोहमत लगाई। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी थी, अंधी। और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हाँ, ये सिला दिया मुझे मेरे प्यार का, ये सिला दिया भाई को अपनी दोस्ती का। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अंगद, मैं तुम्हें मार डालूंगी मैं तुम्हें। मैंने आज तक तुम जैसा कभी ना इंसान नहीं देखा। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुमसे इतना प्यार किया मैंने, इतना प्यार। तुमने मेरे प्यार की इंसल्ट की अंकल, तुमने मेरे प्यार को गाली दी है। मैं तुम्हें नहीं छूंगी। बस, enough. क्यों चिल्ला रही हो मुझ पर इतना? ऐसा क्या किया है मैं? अरे तुम जैसी लड़की से दो चार बार प्यार से बात क्या कर लिया? तुम्हारा दिमाग आसमान छूने लग गया? शक्ल देखे तुमने कभी आईने में अपनी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मुझ जैसा लड़का तुम जैसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त भी कर सकते? चाहना और पसंद करना तो बहुत दूर की बात है यू इडियट। अरे मुझे तो माही पसंद है। माही जब से पहली बार देखा था ना, तब से मैं पागल हो गया था इसके। तुम्हें तो मैंने वही अपने गले पड़ दे दिया था ताकि तुम्हारे बहाने मैं इसके नजदीक रह सकूं। लेकिन इसने तो मुझे हाथ तक रखने नहीं दिया। इसलिए मजबूर होकर मुझे तुमसे सगाई करनी पड़ी। मैंने सोचा चलो एक बार रिश्तेदारी जुड़ गई तो फिर वहीं से मेरी नजदीकियां भी किसी तरह बढ़ ही जाएंगी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऊपर से तुम मुझे कुछ जरूर ठहरा रही हो। अरे अगर ये माही पहले ही मेरी बात मान जाती, मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती तो मैं अपना दिल खुश करके पता नहीं कब का यहां से निकल भी गया होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इसके चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे और तुमसे शादी और सगाई का नाटक करने के बदले मुझे मिला क्या? नथिंग। एक शब्द, तूने मुझे मारा लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। शब्द तेरी गलती नहीं है यार। आखिर तेरी माई है ही इतनी हॉट की किसी का भी दिल मुझे। अंकल, यार ऐसी औरत के चक्कर में तो वॉर्स हो जाते हैं मेरे दोस्त, वॉर्स। और दोस्ती की पीठ पर छुरा भोंकना कौन सी बड़ी बात? शब्द क्या हो गया तुझे यार? किसी हॉट लड़की के लिए हम दोनों के बीच में ऐसा पहली बार तो नहीं है। बोल क्या कॉलेज ड्रेस? किसी भी हॉट लड़की के लिए हम दोनों के बीच में अक्सर ऐसा होता, कभी तेरा दांव कभी मेरा, कभी तू आगे कभी मैं। तो फिर तेरी माही के मामले में मैं दांव लगा रहा हूँ तो इतना तिलमिला क्यों? बिलास बोला मैं तेरी जान ले लूंगा। यार शब्द तू कुछ भी बोल ले, कुछ भी बोल ले, तेरी माही ना है ऐसी चीज की। अंकल,
भागेगा तू? Thank you.
मैंने तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा और तूने मेरे ही पेट में चूरा घोंपा। मैंने तुझे अपने परिवार से मिलाया और तूने अपनी गंदी नजरें मेरी बीवी पर डाली। मैंने तेरा रिश्ता अपनी बहन से करवाया और तूने उसके प्यार की बेइज्जती की। मुझे तेरी जान लेनी चाहिए लेकिन तेरे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं। I'm sorry, Mai. अगर मैंने तुम्हारी बातें सुन ली होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हें इस आदमी की गंदी हरकतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं इसकी असलियत पहचान नहीं पाया। I'm sorry, Mai. मुझे पता नहीं मैं कहां से शुरू करूं माफी मांगना। आप किस बात की माफी मांगो? मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात कि वक्त रहते आपको सारी सच्चाई पता चल गई। हमें तो वाहेगुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने काम्या की जिंदगी बचा ली। काम्या और अपने परिवार के लिए ये तो क्या मैं कोई भी मुसीबत सह सकती। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप मेरे साथ वहां पर थे। मुझे आप पर गर्व है शाह। अरे पगली, सारी तकलीफें तूने बर्दाश्त की और तारीफ मेरी कर रही है। तू ठीक तो है ना बेटा? मैं तो कहती हूँ मोनी बहन जी, ऐसे लोगों की तो आंखें फोड़ देनी चाहिए ताकि आगे से वो कभी किसी की बहू बेटियों पर बुरी नजर न डाल सके। आप ठीक कह रही हैं। शब्द, तुमने अच्छा सबक सिखाया है शैतान के बच्चे को। बड़ा गलीज इंसान निकला, इसके तो गिट्टे गोड्डे सारे सेक देने चाहिए, हड्डियां तोड़ देनी चाहिए जिंदगी में दोबारा चल ना सके। कोई नहीं, शेर की गुफा में हाथ डाला था ना। चल पता कर चल, आज पता देखा सुनी। मैंने तुझसे कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ माही। माही, काम्या, काम्या कैसी है? वो संभल जाएगी बेटा, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। देखा ना बेटा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं भाई गुरु। चलो घर चलो।